149 रन से जीता मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने, जहां पर हरा दिया है और चौथी लगातार जीत अर्जित कर लिया है वर्ल्ड कप 2023 में। न्यूजीलैंड की टीम क्या शुरुआत किया है, आगाज किया है इन्हें अपने कैंपेन का, विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में क्या ये शुभारंभ हुआ है। न्यूजीलैंड ने 288 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान में। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता हुआ क्योंकि अफगानिस्तान ने जीता था टॉस और गेंदबाजी करने का उन्होंने किया फैसला। शुरुआत अभी डग सी गई, कॉनवे को 20 रन में आउट किया, विल यंग ने 54 रन बनाए तो रचिन रविंद्रन ने 32 ही। एक रन बनाकर ड्रू डारेन मिटल आउट हुए, लेकिन 68 रन टॉम लेटन कप्तान ने बनाया, 71 रन डेन फिलिप्स के खाते में भी नजर आए, 25 रन चैंपरमैन और 7 सैमनर के खाते में नजर आई, 2 विकेट नवीन और लाख ने चटकाया, 2 विकेट चटकाया हजूर ने भी और एक एक विकेट मुजीब और राशिद खान के खाते में नजर आई। अफगानिस्तान की जवाई बल्लेबाजी 36 रन बनाया रहमत ने, कप्तान ने 8 रन बनाकर आउट हुए, 27 रन एमयू में बनाया, बताएं आपको तो 14 रन ही जोड़ पाए। जायद रान 139 में हुई ऑल आउट, पूरी टीम 34.4 ओवर्स के अंदर 149 रन से जीत गया मुकाबला, जहां 3 विकेट चटकाया फ्लॉकी फर्गुसन ने, सैमनर ने 2 विकेट चटकाया ट्रेंट बोल्ट ने और एक एक विकेट हेनरी और रचिन रविंद्र के खाते में नजर आई। ग्लेन फिलिप्स के खाते में कोई सफलता नहीं नजर आई। ये रहा ये मुकाबला जहां ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। कोई अगर आप स्टैट्स बताएं तो लोएस्ट टोटल फॉर अफगानिस्तान सेकेंड लोएस्ट हो गया है, लोएस्ट 125 साउथ अफ्रीका के सामने 2019 में, ये 2023 में 139 हो गया है, तो ये देखने मिल गया। और बिगेस्ट विन फॉर न्यूजीलैंड अगर बाय रन्स का बात करें तो 181 से सबसे बड़ा था, 149 अफगानिस्तान के सामने, ये चेन्नई के मैदान में हो गया है। तो ये भी है, तो ये मुकाबले से इतना ही, अभी आप देख रहे थे बताने में। अगर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।